हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। चलिए, आज है तारीख 9 जुलाई और हम आज का न्यूज़पेपर देखेंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों बहुत लोग ये कहना चाहूँगा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि सर द हिंदू न्यूज़पेपर तो ठीक है, इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है क्या? मैं कितनी बार कह चुका हूँ दोस्तों, आप बस एक न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे हिंदी पढ़िए चाहे इंग्लिश पढ़िए, आराम से इसको पढ़ते जाइए। देखो, अब मैं आपको ये भी बताते चल रहा हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एक बार आपको आइडिया हो जाएगा तो आपको उसके बाद पेपर पढ़ने मतलब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा काम का कौन सा काम का नहीं है। ठीक है, तो समय वेस्ट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं हम इसमें। ठीक है, देखो थाईलैंड ये गुफा में कुछ बच्चे फंस गए थे, इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें बस इतना ही देखना है कि थाईलैंड कहाँ है, बाकी और कोई काम का नहीं है। ठीक है, आपको बस इसमें थाईलैंड देख लेना है कि थाईलैंड कहाँ पर है, और इसके अलावा इसमें कोई काम का नहीं है। अच्छा, एक इसमें और देखो, यहाँ पे रूस के साथ भारत का एक समझौता था। ठीक है, मतलब एक लड़ाकू विमान खरीद रहे थे हम, जो 5th जनरेशन की थी। ठीक है, 5वीं जनरेशन की एक लड़ाकू विमान थी, बट रूस क्या कर रहा था कि हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब लागत पे बेच रहा था। ठीक है, कह रहा था नहीं हम इतने पैसे में बेचेंगे, तो इस वजह से भारत ने इसको ठीक है इस समझौते से बाहर होने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये इसमें आपका ये कवर हो गया। अच्छा, एक एक चीज़ यहाँ पे देखो, छोटा सा एक दे रखा है ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, आपको ये देखना है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दोस्तों होता क्या है। देखो, ठीक है, अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मैं आपको एक बार सिंपल सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि रिवर्स इसमें पूरे जो भी दे रखा है जीएसटी वगैरह के बारे में, सबसे काम का आपका बस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। देखो, अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है कि जो एक सपोज करो एक व्यापारी है, ठीक है, उसने जीएसटी में रजिस्टर कर रखा है। ठीक है, एक रजिस्टर्ड व्यापारी है और एक व्यापारी है जो नॉन रजिस्टर्ड है, जिसने जीएसटी नहीं कराया, जैसे छोटा मोटा चाय वाला समझ लो, चाय वाला जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, और एक बंदा है दुकान वाला, उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ठीक है, अभी जब आपस में दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, तो जो जीएसटी भरना पड़ेगा इन पर्सन को जीएसटी भरना पड़ेगा जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब ख़रीदा इन्होंने, ठीक है, ख़रीदा चाय वाले ने इनसे सामान, लेकिन जीएसटी कौन भरेगा? इस ये भरेंगे पर्सन। ठीक है, ले इनसे ज़रूर लेंगे बट भरेंगे ये, कायदे से कहिए तो जीएसटी इनको भरना चाहिए था। ठीक है, या फिर ये सपोज कर ये भी इनसे कुछ इनसे कुछ लेते हैं तब भी जीएसटी यही भरेगा, मतलब जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है वही पर्सन आपको जीएसटी के जो चार्जेस होंगे वो भरेगा, टैक्स होंगे जो, ठीक है, वो जीएसटी वाला पर्सन जो रजिस्टर रहेगा वही भरेगा। नॉन रजिस्टर्ड जीएसटी के पास तो उसके पास जीएसटी ही नहीं है, तो जीएसटी भरेगा कहाँ से? ठीक है, बाद में वो है कि इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, तो बस इतने इसमें आपको ये समझना है कि जी मतलब ये होता क्या है, और इसमें मतलब न्यूनतम होता है 5,000 से आप अगर ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं तो आपको मतलब जो भी जीएसटी रजिस्टर है उसको मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू भरना पड़ता है जीएसटी। ठीक है, बस इसमें यही इतना था। अब बातें आगे, ठीक है, हाँ देखो, आज फिर आयुष्मान भारत के बारे में आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ, आयुष्मान भारत क्या है। ये नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, मतलब जो हमारे परिवार हैं, भारतीय परिवार हैं, ठीक है, उनको क्या कर रहे हैं इसमें कि 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए का, ठीक है, 5 लाख रुपए पर फैमिली, पर फैमिली की बात चल रही है यहाँ पर फैमिली। ठीक है, मतलब एक बीमा है ये, और बीमा जैसे नॉर्मली हम जीवन बीमा कराते हैं ना, जीवन बीमा में क्या होता है कि हमारी डेथ हो जाती है या किसी का कुछ हो जाएगा तो वो आपको उसके एवज में वो कवरेज पूरा मिलता है, पूरा पैसा मिलता है। सेम ऐसे यही है इसमें, क्या है आपको हेल्थ के लिए वो मतलब हेल्थ हेल्थ एक तरह से हेल्थ का बीमा है। ठीक है, तो इसमें आपको 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये का आप, ठीक है, पर फैमिली आप इसमें बीमा करा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो कवर करने का इनका मतलब वो है टारगेट है गवर्नमेंट का, वो 10 करोड़ फैमिलीज़ को इसमें कवर करने का टारगेट है। ठीक है, तो नॉर्मली सर जब कोई भी आपसे पूछे कि आयुष्मान भारत क्या है, ये एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है पहली चीज़। दूसरा ये है कि हर परिवार को 5 लाख का बीमा मिलेगा, मतलब एक परिवार में अगर मतलब हस्बैंड वाइफ दो बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं जो भी है, तो उन सबको मिला के उनको इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपये तक का ही मतलब बेनिफिट मिलेगा, मतलब कुछ भी होता है तो 5 लाख रुपए तक का वो क्लेम करके गवर्नमेंट से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, और ये स्कीम 21 मार्च को चालू हुई थी, तो आप ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो लोग स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी करेंगे उनके काम आ सकता है, जो एसएससी की तैयारी करेंगे उनके काम आ सकता है। यूपीएससी में ऐसे डेट्स तो नॉर्मली नहीं पूछता, बट ये है कि कितने मतलब पर फैमिली कितने लाख मतलब कितने लाख बेनिफिट कितने लाख रुपये के बेनिफिट मिलेगी, ये है, ये काम का है। ठीक है, और ये 10 करोड़ परिवारों को इसमें कवर करने का प्लान है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं,
अब देखो एक चीज़ और है दोस्तों, जो काम की चीज़ें हैं मैं वही कराऊंगा, जो आप मुझे लगता है कि नहीं आपको मतलब नहीं पढ़ना चाहिए, बचना चाहिए उन चीज़ों से, मैं वो कोशिश करता हूँ। जैसे इसमें दे रखा है ठीक है, अब ये बच्चों को नशीले पदार्थ के लिए मतलब बचाने के लिए जवाब मांगा है, तो इसमें आपको बस इतना देखना है कि कला सत्यार्थी कौन है ठीक है। अब उन्होंने एक बचपन बचाओ आंदोलन भी चला रखा है, नोबेल प्राइज़ भी जीता भी रहे हैं ठीक है। तो आपको ये देखना है बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, मतलब कला सत्यार्थी ने चलाया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें आप देखते चाहिए ठीक है। जो आपको पेपर से रिलेटेड जहाँ भी लगे कि नहीं यार मेरे से लग रहा है कि मेरे से पेपर से रिलेटेड है, तो आपको बस वहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने कुछ भी उठाया और कुछ भी पढ़ना चालू कर दिए ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे आगे, कुछ नहीं यहाँ पे। अब राजनीति वाली चीज़ें हम वैसे भी मतलब नहीं पढ़ते हैं ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, तो हमें उन चीज़ों को नहीं पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। और बाकी ठीक है ठीक है आगे। हाँ इसमें आप ये चीज़ देख लीजिएगा ठीक है, इसमें सारी फैक्चुअल चीज़ें दे रखेंगी, ये आपको अगर मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप इसका आंसर आराम से मतलब इस चीज़ इसमें से कुछ छोटी छोटी चीज़ें निकाल सकते हैं ठीक है, कि जंगल कट रहा है, बढ़ रही है आबादी, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ इसमें दे रखी है ठीक है। तो आप इसको एक बार आराम से देख लीजिएगा। अच्छा अब एडिटोरियल का देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट मुझे आज का ये लगा, समर्थन मूल्य ठीक है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य देखो होता क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि धान की कटाई होने वाली है ठीक है। अब क्या है कि अगर 100 किलो प्रति क्विंटल जिसको बोलते हैं, अगर 100 किलो पे प्रति क्विंटल अगर 1800 रुपये सपोज करो बाज़ार में मार्केट में है, कि मतलब कि इस बार जो गेहूँ है वो प्रति मतलब 100 किलो पे 18, मतलब ऐसे सिंपल समझ लो कि 1 किलो पे 18 रुपये किलो मिलने वाला है मार्केट में, अभी मार्केट चल रहा है ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इतना करेगी, गवर्नमेंट ये कह देगी जी कि 17.5 रुपये से, या 18 रुपये भी कह सकती है जो भी गवर्नमेंट को सही लगेगा, तो वो कह देगी जी 17.5 रुपये से आप कम कीमत पे आप नहीं बेच सकते। सब नहीं बेच सकते का मतलब ये है कि आप मार्केट में इसका मिनिमम मूल्य कितना हो सकता है, 17.5 रुपये हो सकता है, यही मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य का। सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप जैसे मैं आपको किलो के हिसाब से बता रहा हूँ, और होता दोस्तों ये क्विंटल में है, मतलब 100 किलो पे ठीक है, 100 किलो पे मतलब 1 क्विंटल कितने रुपए का पड़ता है, सपोज करो 1800 रुपये, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी 1800 रुपये से आप नीचे नहीं बेच सकते हैं ठीक है, नीचे नहीं बेच सकते। तो होगा क्या कि अगर 1800 रुपये सपोज करो गेहूँ बहुत ज़्यादा उत्पादित हो गया उस साल, 1800 से नीचे की मार्केट में कीमत चलेगी, तो किसान क्या कर सकता है कि ये गेहूँ अपना गवर्नमेंट को बेच सकता है ठीक है। और कितने कीमत बेचेगा, अगर जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्होंने बोला था, अगर उन्होंने बोल दिया कि 1800 रुपये आपको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा इसका, तो ये 1800 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट को भी बेच सकती है ठीक है। तो ये मतलब सिंपल सा मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखो न्यूनतम, अब आप वर्ड को पकड़ना सीखिए, अब देखिए न्यूनतम मतलब मिनिमम, समर्थन मतलब उतने से उतना तक वो सपोर्ट करेंगे ठीक है, मूल्य मतलब कीमत ठीक है। तो यही मतलब इसका है कि 1800 सपोज करिए 1800 से कीमत से, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, ये नहीं मान लेना आपने कि 1800 गवर्नमेंट ने कह दिया ऐसा कह दिया ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी अगर गेहूँ 1800 रुपये किलो से नीचे नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगा, अगर मार्केट में समझ लो कम हो गई भी, बहुत ज़्यादा गेहूँ उत्पादित हो गया उस साल कम हो गया, तो आप चाहे तो अपना 1800 रुपये किलो के हिसाब से गवर्नमेंट को अपना गेहूँ बेच सकते हैं ठीक है। यह इस ट्यूटोरियल में मैंने एक बार बता दिया, आप उसको पढ़ोगे तो आपको इच्छा मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव प्रोविजन कौन सा है वो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी ठीक है। अच्छा एक इसरो की लंबी छलांग, ये सब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा ठीक है। अभी क्या कह रहा है इसरो, इसरो एक मानव मिशन लॉन्च करने की सोच रहा है, जिसमें क्या है कि वो जो मतलब उनके साथ क्रू जो क्रू जाएगा ना, उसको एस्केप सिस्टम मतलब लगाना की मतलब ऐसे ऐसे वो बनाना चाह रहे हैं कि अगर सपोज करो कि उनके मतलब मिशन के दौरान कोई फॉल्ट आ जाता है, कुछ दिक्कत हो जाती है, तो उसमें जो भी उनका अंतरिक्ष यात्री होगा ना उसको बाहर निकाला जा सके ठीक है। तो उसमें लगा हुआ है अगर ऐसा हो जाता तो हम देश के चौथे मतलब वर्ल्ड के चौथे देश बनेंगे ठीक है। इससे पहले ऐसा काम मतलब रूस, अमेरिका और चीन वगैरह तीन तीन देशों ने कर चुके हैं ठीक है, तीन देशों ने कर चुके हैं ठीक है। सो यहाँ ठीक है, इसमें यही है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, बट एक काम का था। और ठीक है अभी GST के बारे में दे रखा है, आप पूरी GST की कहानी है कि कैसे GST कैसे कैसे काम किया, 1 साल में से नोटबंदी हुआ, उसके बाद GST आके क्या क्या हुआ, तो आप एक बार इसको बस पढ़िएगा एक कहानी की तरह ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा जाएगा ठीक है। अब GST वगैरह की डिस्कशन के लिए हम उस पर अलग से वीडियो बनाया करेंगे जो करंट वगैरह रिलेटेड रहेगा ठीक है।
अब देखिए इसमें गर्भवती महिलाओं की देखरेख के से रिलेटेड दिया हुआ है मुद्दा, ठीक है। अब इसमें आपको जो काम काम मुझे जो देखो मिलेगी मैं वो बता दे रहा हूँ, देखो ठीक है। इसमें आपको MMR मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको स्कीम मिलेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है। तो आपको स्कीम्स देखने हैं। MMR क्या होता है? इसे MMR क्या होता है कि 1 लाख बच्चे अगर जन्म लेते हैं, सपोज़ करो, ठीक है, मैं 1 मिनट, सपोज़ करो 1 लाख बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है। तो 1 लाख बच्चे जन्म लेने पे कितनी माताओं की मृत्यु होती है उसी को MMR बोलते हैं, ठीक है। उसी को मैटरनल मोर्टैलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है। तो 1 लाख अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उस 1 लाख बच्चे जन्म लेने में कितने ऐसी माताओं की थी जो मृत्यु हो गई, तो उसी को ई रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है MMR क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्या है, इसके अंदर बेनिफिट क्या क्या देते हैं, आपको ये सारी चीज़ें इसमें देखनी है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या है। आप जस्ट गूगल पर टाइप करेंगे मिल जाएगा, यूट्यूब पर टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप ये सारी चीज़ें ना गवर्नमेंट की जो नीति आयोग है ऐसे ऐसे PIB यहाँ पे आप मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट से लें। जैसे आप अगर ऐसे जाएंगे ना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो आपको इस पर वेबसाइट मिल जाएगी गवर्नमेंट की। या तो उसके देखो लास्ट में क्या क्या होगा मैं बता रहा हूँ, या तो NIC.in करके होगा, ठीक है, या तो GOV.in करके होगा, ठीक है। 90% चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। उसके बाद बचेगा तो उस स्कीम का नाम .in, मतलब बहुत ही कम मिलेगा, .in और .org, ये आपको बहुत कम मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा NIC में मिलेगा या तो GOV मिलेगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट वेबसाइट होती है उसको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, या तो NIC.in रहेगा या तो GOV.in रहेगा, ठीक है। तो आप वहाँ से चीज़ें लिया करें क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं। बाकी पीडिया ऐसे लोग विकीपीडिया फॉलो करते हैं, विकीपीडिया में क्या होता है दोस्तों, कोई भी जाके एडिट कर सकता है। तो आप विकीपीडिया ज़रूरी नहीं है कि आप फॉलो ही करें, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वही फिर से थाईलैंड की कहानी, बच्चे जो फंस गए थे, ठीक है। तो आपको बस थाईलैंड देखना है कहाँ पे है, जापान में काफ़ी बारिश हुई है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं जो लोग अभी तो अभी चलो सेमीफाइनल होने वाला है, तो अभी तो कोई काम का है नहीं CGL के लिए भी और UPPCS के लिए भी, ठीक है। तो इसमें और कोई काम का दिखा नहीं, ये अभी वीडियो मतलब ये भी काम का नहीं है, मतलब मुझे बहुत कुछ इसमें मिला नहीं, ठीक है। अच्छा इसमें एक ये काम का भी कर पढ़ सकते हैं कि एक पान स्टार करके C2017S3 धूमकेतु है जो पृथ्वी के पास से निकलेगा अभी, ठीक है। बस इतना ही है इसमें कि बहुत पास से निकलेगा, शायद आखिरी धूमकेतु ऐसा कुछ कह रहे हैं वैज्ञानिक, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की न्यूज़ में बस दोस्तों इतना ही था, ठीक है। तो और आपसे अनुरोध करूँगा कि आप जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना पहले एक बार उसको पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। अभी देखो मैं न्यूज़पेपर आप लोग को पहले इसलिए भेज देता हूँ कि आप लोग को न्यूज़पेपर थोड़ा मिल जाएगा पहले, तो आप उसको पढ़ के एनालिसिस कर लोगे कि इसमें क्या मतलब क्या क्या मैंने ज़्यादा पढ़ लिया, कहाँ कमी रह गई, कहाँ मेरे को छोड़ना था मैंने वो भी पढ़ लिया। मतलब अब देखो न्यूज़पेपर में क्या है कि 90% चीज़ें आपको मसाला होती हैं, मसाला इन द सेंस कि जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है ना। देखो अब ये बिजनेस है एक तरह से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज़पेपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट उन ठीक है कुछ लोग को जो चीज़ें काम की वो ठीक है। मैं इस बार सिंपल से इतना कह रहा हूँ कि ये हमारे काम की नहीं है। आपको अगर IAS बनना है तो आपको चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी जो आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। तो आपको आपको खुद को ये समझाना है। जैसे अभी मूवी के बारे में दे रखी है, ठीक है, आप अगर पढ़ लो यहाँ पे कि कौन सी मूवी है, बस इतना इतना ही काफ़ी है आपके लिए। आप ऐसा नहीं करना कि पूरे डिटेल में भर रहे कि इसके इसके घर में ये हुआ, इसने बर्थडे पे इसको ये कहा, कोई फिल्म स्टार इससे कहा, तो आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला है। तो आपको ऐसी चीज़ों से बचना है, ठीक है। हाँ कुछ लोग के लिए काम का हो सकता है, बट मेरे हिसाब से हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हर चीज़ जो ये होती है न्यूज़पेपर में किसी न किसी के काम का है, बट आपके काम का क्या है आपको ये ढूंढना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप क्या कर रहे जा रहे हैं सारी चीज़ें एक 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 पढ़ने जा रहे हैं, एक चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, एक चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं। भाई साहब आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन जो भी, तो आप लोग को मतलब 3 घंटे 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो आपको अपने काम की चीज़ निकालनी है, और मैक्सिमम मेरा मानना है 1 घंटे से अगर ज़्यादा पेपर दे रहे हैं तो आप पेपर सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कमियां हैं और कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ को देखिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ आपको सही से करना है, और आप अपने टाइम को बचाओ। क्योंकि देखो जितना टाइम आप बचाओगे यहाँ से न्यूज़पेपर से कहीं और लगाओगे। तो मेरा ये मानना है कि कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, ठीक है। और ये एग्ज़ाम ऐसा है दोस्तों जिसमें पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अब आप एक देखो ना, आपको आप न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ता, मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग अपीयर होते हैं, ठीक है। 5 लाख में से कम 4 लाख लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो आप सोचो कि वो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, आप भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। अब 4 लाख में से आप 15,000 के अंदर कैसे होगा प्रीलिम्स निकालने के लिए? 15,000 भी कहाँ, 12,000 मान लो,
ठीक है, वैकेंसीज अभी थोड़ी कम भी हो गई हैं, तो आपको 12,000 में आना है 5 लाख में से। आप कैसे जाओगे 12 लाख में, 12 लाख सॉरी 12,000 में? ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं और मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उनसे आगे निकल पाऊं। ठीक है, टेक्निकली सोचो आप अपने आप को। ठीक है, अगर आप 12,000 में आ जाओगे तो आप मेंस में ऐसा कैसा आंसर लिखो कि जो 12,000 लोग आंसर लिख रहे हैं उनसे आपका अलग हो, उनसे अच्छा हो, क्योंकि सारे बुक्स वही पढ़ रहे हैं, सब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, सारे लोग एक ही सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, सब सब राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्या लिखोगे कि जिससे आपका लगे कि उत्तर बढ़िया और अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। अगर आप सोच नहीं रहे हो तो अभी से सोचना चालू करो, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो, ठीक है, और सोचो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।